एग्री खेती की तरफ से साप्ताहिक खेती खबरें। इस साल गेहूं का उत्पादन 130 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान, लेकिन सरकार के पास केवल 55 से 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडारण की क्षमता। अनाज खरीद एजेंसियां भंडारण को लेकर चिंतित, गेहूं भंडारण के लिए किए जा रहे हैं पर्याप्त इंतजाम। देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाया। पहले निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च तक था, जबकि कीमतें गिरने से किसान परेशान, निर्यात हटाने की कर रहे हैं मांग। इसी बीच प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर, सरकार खरीदेगी 5 लाख टन अतिरिक्त प्याज। IMD मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 महीनों में देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना। लू की स्थिति पूर्व मध्य क्षेत्र के राज्यों जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कर सकती है प्रभावित। इसके अलावा विभाग ने अनुमान बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों सहित देश के विशिष्ट क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी का होगा अनुभव। करनाल में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 3 नई किस्में DBW 370, DBW 371, DBW 372 विकसित की, जिन्हें पंजाब में किसानों को खेती के लिए जारी किया गया।